कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, लाखों रुपए मालियत का छालिया और मोबाइल फोन एसेसरीज कब्जे में ले ली गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, हुकूमत कार्रवाई करते हुए लाखों का मालिक भी छालिया और मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में ले लिया और मोबाइल फोन की जो है वो जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जो छालिया जो है वो रस्ते से कोटा से लाहौर लाई जा रही थी, जिसकी मालिया जो तकरीबन 50 लाख रुपये बताई जा रही है उसे जब्त कर लिया गया। जबकि इसी तरह मोबाइल फोन टोटा गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें उसकी एसेसरीज और मोबाइल फोन रखकर लाए जा रहे थे। जो कस्टम काम में मजदूर कार्रवाई के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जी राहिल सईद, ये भी बताया गया इसमें कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है? इसमें एक जो ड्राइवर था जो छालिया लेकर आ रहा था, ट्रक ड्राइवर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया, जिसकी मालियत जो है तकरीबन 30 लाख रुपये बताई जाती है। इसके अलावा जो गाड़ी जो मोबाइल फोन जिस गाड़ी में मौजूद थे वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। तहम गाड़ी जो है वो कब्जे में ले ली गई कस्टम काम की जाने से और तमाम मोबाइल फोन और एक्सेसरीज जो है वो भी जब्त कर ली गई। ठीक है राहिल सैयद, ये भी बताइएगा कि मुलजमान को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखा जाएगा कि इसके खर्च लगाने को कितना रुपये जो है लॉसेज हुए लगाया जाएगा और इसके बाद जो है चीजें जो है ऑप्शन फोर्स की जाएगी ताकि ऑप्शन में जो पैसे हैं जो सरकारी खजाने में जो है वो जमा करवा दिए जाएंगे। कस्टम काम की जानी से जितने भी जो जिन पार्टियों का सामान पकड़ा जाता है उन्हें एक चांस दिया जाता है कि अगर उनके पास कोई ऐसे कागजात मौजूद हैं जिससे वो ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों की ड्यूटी पेड की है तो वो आपकी कस्टम से अपना सामान क्लियर करवा लें। लेकिन तहम अभी तक इस सामान के हवाले से किसी ने भी कस्टम काम से रब्ता नहीं किया और ना अपने कागजात पेश किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद।